स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आज, जैसे कि तुम सबको पता ही है, लास्ट डेट थी 14 अगस्त एडमिशन के लिए. तो उम्मीद करती हूँ मोस्टली बच्चों ने एडमिशन ले लिए होंगे, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम. बट जो बच्चे रह गए हैं किसी भी रीजन से, जो एडमिशन नहीं ले पाए, जो ऐसे स्टूडेंट, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जो इग्नू में अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं और जिनको ये डर था कि फाइनली इग्नू में जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो आज थी 14 अगस्त, तो अब गुड न्यूज़ क्या है और वो ये है कि जो लास्ट डेट थी आज, उसको एक्सटेंड किया जाएगा. क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के जो मेल्स और जो लेटर्स हैं वो इग्नू को भेजे गए थे, जिसके बाद अब जो ये डिसीज़न है वो ले लिया गया है. तो यस, अब फाइनली जो आपकी एडमिशन डेट है वो जुलाई 2024 के जो एडमिशन है इग्नू के, फ्रेश एडमिशन की बात करें या री रजिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे अंडर ग्रेजुएट की भी बात करूँ, जिसमें मैं अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी कल, उसमें भी मैंने बताया था कि बीए, बीकॉम, बीएससी ऑल कोर्सेज, ठीक है. तो देखिए, जब भी जैसे हम लोग एक्सटेंशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि क्या एमए की भी डेट एक्सटेंड होगी. तो सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं इग्नू के अंदर, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो बिग अपडेट ये है कि फाइनली इग्नू ने जुलाई 2024 सेशन की जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो आज रात, मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, 12 बजे ख़त्म हो रही थी, उसको एक बार फिर से 15 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. यानी कि अब जो आपकी लास्ट डेट है वो 14 अगस्त ना होकर अब 31 अगस्त तक आपकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, विदाउट एनी लेट फीस. इसको ध्यान रखना, विदाउट एनी लेट फीस के साथ. तो अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि अभी तक ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया और अभी तक वेबसाइट पर अपडेट भी नहीं हुआ. तो देखो, जितनी भी जो अपडेट्स हुई हैं ना, चाहे वो अभी जैसे आपकी लास्ट डेट आपका वेबसाइट पे अपडेट नहीं मिलती थी, तो यहाँ भी मैं ये बता देना चाहती हूँ कि कल जो कमेटी कोर की जो बैठक हुई थी, कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी, जिसके अंदर इग्नू के जो बच्चे थे जिन्होंने डिमांड की थी कि और थोड़ा सा लास्ट डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एडमिशन जिनका कन्फर्म नहीं हो पाया, ठीक है. क्योंकि अभी तक भी कमेंट्स आते ही रहते हैं मेरे पास, अभी भी आते हैं कि हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, हमने फ़ीस भर दी है, सब कुछ हो गया, फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया, कब तक कंफर्म हो पाएगा, किसी का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है या किसी का, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो यही रीज़न थे कि एडमिशन नहीं ले पाए ये बच्चे. तो इन्हीं सबको देखते हुए फाइनली इन्होंने जो अपनी लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है. अब आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त हो गई है, ठीक है, इसको नोट कर लेना. 14 अगस्त अब नहीं है, वो तो आज वैसे भी ख़त्म हो गई है. तो ये जो अपडेट है ये मुझे लग आई थिंक 12 बजे के बाद या कल तो खैर छुट्टी है, कल या परसों तक जो है वो ओपन हो जाएगी. जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा और आपको नोटिस भी आ जाएगा, ठीक है. तो देखो, नोटिस से पहले अगर नोटिस मिल जाता है तो इट्स अ गुड थिंग ना. तो फाइनली अभी 15 दिनों के लिए दोबारा से एक बार फिर से इन्होंने अपनी लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है. अब आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 है, ठीक है. तो अब आप अपना एडमिशन 14 अगस्त के बाद भी ले सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस. और कोई अपडेट होगा तो ज़रूर बताऊँगी, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा वो भी शेयर कर दूँगी. तो वैसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस श्योरिटी कि आपकी डेट जो है वो अपडेट हो चुकी है. अब आराम से एडमिशन लेना और कोशिश करना कि अब इससे ज़्यादा लेट मत करना अपना एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 4th टाइम ये डेट एक्सटेंड हो रही है. हो सकता है इसके बाद होती है नहीं होती है, दैट्स एन अनदर इशू. बट अब 15 दिन और मिल गए हैं, तो फटाफट से एडमिशन ले लेना. और कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है. चलो मिलते हैं, बाय.